भारत की जीडीपी वृद्धि दर पिछले 15 महीने के न्यूनतम स्तर पर। भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर पिछले 15 महीने में न्यूनतम स्तर पर है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर घटकर 6.7% रह गई है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 6.7% है। यह दर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर पिछले 15 महीने यानी पिछले 5 तिमाही की वृद्धि दरों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 7.8% थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 8.2% की वृद्धि देखी गई, जबकि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1.5% की कमी के साथ यह दर 6.7% हो गई है। बताते चले कि गिरावट का मुख्य कारण कृषि और सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन को माना गया है। NCO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 की अप्रैल जून तिमाही में कृषि क्षेत्र की GVA यानी सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि दर 3.7% थी, जो इस वर्ष घटकर 2% रह गई। बताते चले कि GVA यानी सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में भी GVA वृद्धि में गिरावट देखी गई है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले तिमाही से ठीक एक साल पहले की तिमाही में इन क्षेत्रों में GVA वृद्धि दर 12.6% थी, जो इस वर्ष धीमी होकर 7.1% रह गई। यानी एक साल के अंदर वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में GVA यानी सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में 5.5% की गिरावट आई है। जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।